वास्तव में होनहारों की कमी नहीं है। देखने में आता है कि अगर हम शारदा की बात करें और सिमरप्रीत की बात करें, उन्होंने सरदार कुलवंत सिंह बाट जी की एक मतलब कहना चाहिए कि पेंटिंग के रूप में ऐसे लगता है कि जैसे फोटो में से ये पिक्चर निकल करके आ रही है। उनको बधाई दे रहे हैं, उनको गिफ्ट कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पेंटिंग के लिए? मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि सिमरप्रीत जो है हमारे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड का एक्स स्टूडेंट रहा है जी। बड़ा होनहार बच्चा है, इसके पिताजी भी हमारे स्कूल में म्यूज़िक के टीचर हैं जी। और मुझे बड़ा सरप्राइज़ दिया इन्होंने जब मुझे टेलीफोन आया कि आपकी तस्वीर जो है मैंने स्केच करी है और वो आपको देनी है। तो मैं खुद आज चल के इनके घर पर आया कि मैं खुद आऊँगा और तस्वीर भी बहुत सुंदर जैसा देख रहे हैं बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है। तो मैं बधाई देता हूँ बच्चे को, मेरा आशीर्वाद हमेशा इस लाइन में अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो जो भी मदद मेरे से चाहें तो मैं इनकी करने को तैयार हूँ और बहुत खुशी है मुझे। बाट साहब अभी तक फ़ोटो आपने दिए हैं, आज अपनी फ़ोटो देखते हुए कैसा लग रहा है? मैं अक्सर देखता था फेसबुक पे सोशल मीडिया पे बहुत से हमारे जो सिख भाई हैं वो काफ़ी पेंटिंग में इस तरीके की स्केच बना के लोगों का वो डालते थे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा भी स्केच बना के मेरे को दिया जाएगा। तो मेरे को बेहद खुशी है इस बात की। सिमरप्रीत जी क्या कहना चाहेंगे, ये आपको लगन कहाँ से लगी? सर ये लगन तो स्कूल टाइम से ही थी, जब 9th क्लास में था फर्स्ट टाइम मैंने आर्ट रूम ज्वाइन किया था तब से शौक मुझे हुआ। फिर अब थोड़े दिनों में जब सर को देखा मैंने जी, तो सर उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये पेंटिंग तैयार की सर। कितने सालों से शौक? सर ये 4-5 साल हो गए सर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया है? बिल्कुल सर, मेहनत पूरी की है सर। कितनी फोटो अभी तक तैयार कर सर? ये सर की फर्स्ट टाइम मैंने तैयार किया सर, उसके अलावा अब आगे भी और भी तैयार करूंगा सर के लिए। आज सर आए आपके घर पर और आशीर्वाद दिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर।